हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कविता की बुनाई में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो ये आप स्वेटर का डिज़ाइन भी बना सकते हैं या फिर आप इस तरह का बॉर्डर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉर्डर चाहे डिज़ाइन, ये दो दो फंदों के मल्टीपल में हमारा बनेगा। तो ये आप लोग बॉर्डर जैसे लेडीज़ के कार्डिगन में, जैसे बच्चों के स्वेटर में ये डिज़ाइन, जेंट्स के स्वेटर में ये डिज़ाइन लगा सकते हैं। जैसे लेडीज़ के लिए बना रहे हो तो लेडीज़ के लिए भी इस तरह का आप बॉर्डर भी बना सकते हैं, डिज़ाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा चाहे बॉर्डर बोले चाहे डिज़ाइन बोले, ठीक है। ये देखिए, पहला फंदा उतार दिया, एक फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे। फिर यहाँ से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ रखकर एक फंदा सीधा। फिर से हम इस तरह से घुमाकर अंदर की तरफ लेकर आएंगे धागा को। फिर से सेम वही, अब रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा, धागा ऐसे ही रखेंगे, फिर एक फंदा सीधा। इसके बाद इस तरह से घुमाकर धागा को अंदर की तरफ लाएंगे। पूरे फंदे पहली सिलाई में ऐसे ही रिपीट करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा ऐसे ही रखा, फिर सीधा। सीधा बनाने के बाद इस तरह से धागा को सिलाई पर लपेट कर अंदर की तरफ लाना है, एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रहेगा, फिर एक फंदा सीधा। फिर से घुमाकर धागा को अपनी तरफ ला दिया, एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रहेगा, एक फंदा सीधा। एक फंदा सीधा बनाने के बाद धागा को इस तरह से सिलाई पर घुमाकर अंदर की तरफ लाना है, एक फंदा उल्टा, उल्टा बनाने के बाद धागा को इस तरफ ही रखना है, एक फंदा सीधा। फिर से धागा को इस तरह से घुमा दिया सिलाई पर, एक फंदा उल्टा, अपने तरफ रखा, एक फंदा सीधा। साथ में इधर हमारा जाली बन रहा है, या फिर फंदा भी बोलो या फिर जाली भी, ठीक है। फिर से धागा को इस तरह से घुमा दिया, एक फंदा अंदर की तरफ, धागा ऐसे ही रखेंगे, फिर एक फंदा सीधा। फिर से इस तरह से घुमा कर धागा को अंदर की तरफ ला दिया। इस तरह से पूरे फंदे सीधी तरफ से कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी पहली सिलाई, इस तरह से पूरे फंदे कंप्लीट करना है। बाहर की तरफ फिर से धागा को घुमा कर लास्ट में एक फंदा अंदर की तरफ, एक स्टिच सीधा। ये हो गई हमारी पहली सिलाई सीधी साइड से कंप्लीट। दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, पहला फंदा उतार दिया, ये शुरू का एक फंदा सीधा, ये देखिए एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ, अब यहाँ ध्यान देना है, जैसे एक जाली वाला फंदा, एक ये फंदा, एक जाली वाला फंदा, इन तीन फंदों से हमने तीन फंदा बनाना है। इस तरह से एक फंदा बना दिया, दूसरा इस तरह से सिलाई पर लपेटा, फिर तीसरा फंदों में से बना दिया। फिर से धागा पीछे, अब इस तरह से आपको एक सीधा फंदा नज़र आएगा, उसको सीधा बनाना है, धागा अपनी तरफ। अब ये देखिए, जाली वाला फंदा, एक फंदा, फिर जाली वाला फंदा, ये तीन फंदे पर हमने तीन के तीन फंदे बनाने हैं उल्टे तरफ से। इस तरह से एक फंदा बना दिया, दूसरा इस तरह से रोल किया, तीसरा ये फंदों में से बना दिया, फिर धागा पीछे। अब ये देखिए, एक बीच का ये सीधा फंदा इस तरह से सीधा बनेगा, धागा अपनी तरफ। ये ध्यान देना है, जाली वाला फंदा, बीच का फंदा, जाली वाला फंदा, ये तीन फंदों का हमने तीन फंदा बनाना है। एक फंदा बना दिया, दूसरा फंदा को रोल किया सिलाई पर, फिर हमारा तीसरा फंदा।
पूरे फंदे ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। एक फंदा सीधा, ये देखिए जाली वाला फंदा, बीच वाला फंदा, जाली वाला फंदा, ये तीन फंदों में से तीन फंदा बनाना है। एक फंदा बना दिया, दूसरा रोल किया, फिर तीसरा फंदा, धागा पीछे, फिर ये वाला फंदा सीधा। पूरे फंदे ऐसे ही कंप्लीट करेंगे उल्टे तरफ से। एक फंदा सीधा, एक फंदा बना दिया, दूसरा सिलाई पर लपेटा, फिर तीसरा फंदा बना दिया, फिर एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ, ये देखिए जाली वाला फंदा, बीच फंदा, जाली वाला फंदा, ये तीन फंदों का एक करना है, सॉरी तीन फंदों में से तीन बनाना है। एक करते हुए तीन फंदों में से तीन बना दिया, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा बना दिया, दूसरा लपेटा, तीसरा बना दिया, फिर एक फंदा सीधा। पूरे फंदे ऐसे ही कंप्लीट करेंगे उल्टी तरफ से। इस तरह से ये हमारी दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से कंप्लीट हो गई। ये देखिए लास्ट में हमारा एक फंदा सीधा, एक स्टिच उल्टा, थर्ड रो राइट साइड, तीसरी सिलाई है हमारी सीधी साइड से। पहला फंदा उतार दिया, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब ये जो तीन फंदे हैं हमारे, पहले वाले को सीधा उतारना है, पीछे वाले को इस तरह से सीधा करके बनाना है, फिर जो हमने उतारा फंदा है इसके ऊपर से इस तरह से उतारना है, ठीक है। पूरे फंदे तीसरी सिलाई में ऐसे ही कंप्लीट करना है। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, जो हमने तीन में से तीन फंदे बनाए थे पहले वाले को इस तरह से सीधा उतार देंगे, दो फंदों को इधर दो का एक कर देंगे, फिर जो उतारा फंदा है इसके ऊपर से लगा देना है। पूरे फंदे इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए पहला फंदा को सीधा उतार दिया, दो का एक किया, फिर उतारा फंदा को इसके ऊपर से लगा देंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। जो तीन फंदे हमारे, पहला वाला सीधा करके उतार दिया, दो फंदे का एक किया, फिर ये उतारा फंदा ये दो फंदों के ऊपर से लगा देना है। पूरे फंदे ऐसे ही कंप्लीट करेंगे तीसरी सिलाई। पहला फंदा सीधा करके उतार दिया, दो फंदे का एक किया, फिर उतारा फंदा इसके ऊपर से लगा देना है, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, पहला फंदा सीधा करके उतारा, पीछे के दो फंदे का एक किया, उतारा फंदा इसके ऊपर से लगाना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। ये जो तीन फंदे हैं, पहला वाला उतार दिया, पीछे से दो का एक कर दिया, फिर ये उतारा फंदा इसके ऊपर से लगा देना है। पूरे फंदे ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये हमारी तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई सीधे तरफ से। उतारा फंदा को इसके ऊपर से लगा देना है लास्ट में। एक फंदा उल्टा, एक स्टिच सीधा। तो ये आप बॉर्डर के लिए भी ट्राई करें या फिर डिज़ाइन के लिए भी ट्राई करें। अब फोर्थ रो, चौथी सिलाई है उल्टी तरफ से। तो यहाँ पर पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। फोर्थ रो रॉन्ग साइड, पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे।
ये हमारे डिज़ाइन की चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई, फोर्थ रो कंप्लीट। तो चलते हैं फिर से डिज़ाइन की पहली सिलाई सीधी साइड से, लेकिन हमारा जगह चेंज होगा। ये जो डिज़ाइन बना है इसका जगह चेंज होगा। तो ये देखिए पहला फंदा उतार दिया, अब यहाँ पर हमने एक फंदा सीधा बना देना है। सीधा बनाने के बाद हमने इस तरह से धागा को घुमाकर सिलाई पर अंदर की तरफ ला दिया। अब ये हमारा फंदा उल्टा बनेगा, ये डिज़ाइन वाला फंदा उल्टा। अब ये जो फंदा है इसको हम इस तरह से अपनी तरफ रख के सीधा बनाएंगे। डिज़ाइन हमारा सेम वही है, धागा को इस तरह से घुमाकर अंदर की तरफ ला दिया और जो डिज़ाइन वाला फंदा है ये उल्टा बनेगा। इतना सा ध्यान देना है, ठीक है। इस तरह से एक फंदा बाहर की तरफ, धागा को घुमाकर अंदर की तरफ ला दिया, ये डिज़ाइन वाला फंदा उल्टा। अब धागा को अपनी तरफ ही रखकर जो उल्टा फंदा है बाहर की तरफ, फिर इस तरह से धागा को घुमाकर अंदर की तरफ ला दिया, डिज़ाइन वाला फंदा उल्टा, फिर ये उल्टा फंदा धागा अपनी तरफ रखकर सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा इस तरफ रखकर सीधा, फिर से घुमाकर अंदर की तरफ ला दिया, सीधा फंदा पर उल्टा बना देना है, धागा अपनी तरफ ही रहेगा, फिर एक फंदा सीधा, पूरे फंदे ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। फिर से रोल करके धागा अंदर की तरफ ला दिया, जो सीधा वाला डिज़ाइन वाला फंदा है उल्टा बना दिया, उल्टा वाला फंदा सीधा, फिर से धागा को रोल करके अंदर की तरफ ला दिया, सीधा वाला फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ फिर सीधा, फिर से रोल किया, ये सीधा वाला फंदे पर उल्टा बना दिया, फिर उल्टा वाला फंदा इस तरह से सीधा, फिर से रोल करके अंदर की तरफ ला दिया, उल्टा धागा अपनी तरफ ही रखा, ये देखिए सीधा, लास्ट में एसरी सीधा। तो ये पहली सिलाई पूरे फंदे वैसे ही कंप्लीट करेंगे, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से सेम वैसे ही। पहला फंदा उतार दिया, फिर इसको भी हम उल्टा बनाएंगे। अब ये देखिए इधर पहले वाले फंदे को हम धागा पीछे करके सीधा बनाएंगे, इसको सीधा धागा अपनी तरफ। अब ये जो तीन फंदे हैं, जाली वाला फंदा, ये फंदा, ये फंदा, इधर ये जाली वाला फंदा, ये फंदा, ये फंदा, यहाँ पर हमारा इसको हम ऐसे ही बनाएंगे, इधर दो फंदे। अब ये देखिए, अब क्योंकि हमारा डिज़ाइन इधर बना है तो अब ये हमने इधर बनाना है डिज़ाइन, इधर जाली वाला फंदा, ये फंदा, ये फंदा, इधर हमने तीन फंदों का तीन फंदा बनाना है। एक फंदा बना दिया, दूसरा रोल किया, तीसरा फंदा बना दिया, धागा पीछे, ये देखिए। अब इधर ये जो डिज़ाइन बना है यहाँ पर एक फंदा सीधा आएगा, धागा अपनी तरफ, ये ध्यान देना है। ये बीच के जो तीन फंदे हैं, जाली वाला फंदा, ये फंदा, ये फंदा, तीन फंदों का तीन फंदा बनाएंगे। एक फंदा बना दिया, दूसरा लपेटा, फिर तीसरा फंदा बना दिया, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, जाली वाला फंदा, बीच का फंदा, जाली वाला फंदा, तीन फंदे में तीन बनाना है।